नमस्कार, प्रश्नकाल को स्वागत करुच्छे मुझे शांति भूषण। आज प्रश्नकाल प्रसंग रही कुआडे गला इक्मो चिकित्सा। ये प्रश्न साधारण रोगीटे जे करोन पड़ी और इक्मो चिकित्सा दरकार हो सरकार को ये प्रश्न पचारूँ। आपड़ जानते मृत्युंजय पात्र भद्रक जड़े व्यक्ति जे 26 दिन धरी घर हस्पिटाल चिकित्सित होकर आवश्यकता पड़ी इक्मो ट्रिटमेंट, किंतु राज्य में वर्तमान सुधा उपलब्ध हो पारिना इक्मो ट्रिटमेंट। किंतु आज एम्स उद्घाटन हो चिकित्सा सुविधार सरकारी भाव जदि आप देखिए कैपिटल हस्पिटाल कथा कहतु किंबा कटक बड़ मेडिकल कथा कहतु, सरकार तीन मास पूर्व कही इक्मो चिकित्सा उपलब्ध करेंगे, 11 इक्मो मेसीन आणवे, किंतु तीन मास पर गोटे मेसीन आसने से रोगी रोगी संपर्क एम सरकार को प्रश्न पचारे केबे इक्मो चिकित्सा उपलब्ध हे से नहीं आज आम प्रश्नकाल के कुआडे गला सरकार इक्मो चिकित्सा। प्रथम आप नजर पका सरकार कौन कही कौन कर इक्मो ट्रिटमेंट को लेकिन पूर्व कौन कही तथ्य उपर नजर पका। प्रथम सरकार कही कटक एसीबी आसब 6 मेसीन पर कहले आउ 9 मेसीन आसब, प्रथम कहले 6 कहले 9 आसब, कैपिटल हस्पिटाल को 2 मेसीन आसब एक मंत्री कही पूरा हिसाब जब आप मिस 11 मेसीन हो प्रथम कहले 6 कहले 9 कैपिटल को 2 एमती 11 मेसीन आसब, किंतु तीन मास पर तथ्य कहूँ जो वर्तमान सुधा गोटे भी इक्मो मेसीन आसी ना कि कौटी इनस्टल होना। एवं सरकार कहते अगस्ट 15 सुधा कटक कार्यक्षम हो इक्मो मेसीन एवं जदि एम्स आम प्रश्न जदि एम्स लगिपारा आज उद्घाटन होम्स जदि एम्स लगिपारा इक्मो मेसीन तेल सरकार कहीं विलंब कर जाणीशुणी विलंब करूना तो ये प्रश्न समस्त मन में आसूँ। टेंडर प्रक्रिया शेष करी मेसीन आने को आप केतेदिन समय लगे केवल टेंडर प्रक्रिया ना कहीं सीमित रही इक्मो चिकित्सा ओडिशा रे मंत्री कही कैपिटल हॉस्पिटल को भी मेसीन आसब किंतु केबे आसब तार उत्तर एवं मंत्री दौना। द्वितीय कथा होउची अनेक रोगी या भितर इक्मो ट्रिटमेंट पे बाहर को जाइछंती एक जानते व्ययबहु चिकित्सा एवं तांक भितरे अमृत को ठारु आरंभ करी अभिषेक देवाशीष को ठारु आरंभ करी विजय एमाने ट्रीटमेंट होवा पे जाइछंती विलंब कारण देवाशीष पाणिग्राही को कथा कहतु कि विजय साहू को कथा कहतु विलंब कारण अनेक जीवन डाक्टर डाक्टर टीम बंचे पारिना जेहेतु विलंब होला राज्य में उपलब्ध हो पारा ना इक्मो ट्रीटमेंट। आम प्रसंग को आसवा आम सहित जो अतिथि अच्छे से मुझे परिचय कर दूसरी आम सहित गोलक महापात्र रे बीजेपी साधारण संपादक आम सहित डॉक्टर सुभाष साहू अच्छा स्वास्थ्य विशेषज्ञ आम सहित कल्पतरु जेना अच्छा मृत्युंजय पात्र जे संपर्क सी आम सहित जोड़ी होती जूम लाइन में आम सहित जोड़ी हे कांग्रेस मुखपात्र सुदर्शन बाबू सुदर्शन दास समस्त को स्वागत करुच्छे आलोचना को। प्रथम जेहेतु प्रसंग हो कुआडे गला इक्मो चिकित्सा तेणु मुझे जानापे चाहूँ कल्पतरु बाबू आपण जो मृत्युंजय पात्र चिकित्सा 26 दिन हम से घर हस्पिटाल चिकित्सित होती एवं इक्मो ट्रिटमेंट आवश्यक करुं डाक्तर कौन कही व्यवस्था कौन हो बाहर को कौट की जीवाई कौन व्यवस्था सर 26 दिन है पुतुरा से आपोलो तार ऑक्सीजन कमी गला आपोलो पहुंचेलु आपोलो पहुंचला पर देख लु तार 90 अन्य सब ऑर्गन सब ठीक अच्छे 90% तार लंग्स तार डैमेज होती डॉक्टर परामर्श कलु डॉक्टर कहले तीन दिन धरिकी चलला तार एमआईवी वेंटिलेटर रहा तापर गत 15 दिन है से वेंटिलेटर रे अनकॉन्शियस अवस्था अच्छी आम जिते बड़े भी कांटेक्ट कले भी हाँ से चलिए 90% ऑक्सीजन चलती ये हूँ 60% चलती एमती मेन्टेन हो 94-95 मेन्टेन करूँ अवस्था लास्टली आमको 2 दिन तले से आमको कहले तुम्हें इक्मो चिकित्सा व्यवस्था कराओ आम एटी ओडिशा रे से चिकित्सार कोई सुविधा नथिबारो आम समरे भी जोगाजोग कलु से आम बुझे सिटी ऑपरेटिव ठीक भाव हो पारे तेणुक आम कालकाटा को जोगाजोग करचु एयर आंबुलेंस काली नेबापाई एवं जेहेतु से जने आर्थिक एते संबल लोक नो आम तो आउ सरकार से सुविधा नहीं आम एबे भी जदि अरेंज हेथिले भी एठी भी असंभव वर्तमान बहुत मूल्यवान जीवन भी गलाने कल्पतर बाबू एक रे होउची जे ओडिसा रे वर्तमान सुधा उपलब्ध होई पर नै 2 रे होउची ये व्ययबहुल चिकित्सा अर्थ अधिक दरकार एक आप जानते कि मंत्री कौन कही बोध आप मन थी पुणी थे आपको शुणई दे इक्मो ट्रिटमेंट नहीं स्वास्थ्य मंत्री कौन कही आप शुणु तापर मुझे पुणी प्रश्न पचारि इक्मो
ଅଲରେଡ଼ି ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଆମର ଛଅଟା କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରିସାରିଛି। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଣାଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କଳ୍ପତରୁ ବାବୁ, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଟେଣ୍ଡର ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି ଛଅଟା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଲାଗିଯିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି ଲାଗିନି। ତ ଆମର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭରସା କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନି, କାହିଁକିନା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉ କି ଆମର ଏମ୍ସରେ ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିଲା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନି। ତାପରେ ବି ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହେବ ବୋଲି ବି ଏସ୍ସିବିରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ତା ବି କେତେଦିନ ସମ୍ଭବ ସେ କଥା ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଗରୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି, ତା କେତେଦିନ ସମ୍ଭବ ବି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉଥରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି। ଆମ ସହିତ ଗୋଲକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଲକ ବାବୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଛଅଟି ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଲାଗିଯିବ। ଇଏ 3 ମାସ ହେଇଗଲା, ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ ଯେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଅଟକିଛି, ଯଦି ଏମ୍ସରେ ଲାଗିପାରିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି ହେଲା ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଏସ୍ସିବି ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ କାହିଁକି ଲାଗିପାରୁନି? ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଥାନ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଇଏ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରରେ ରହିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତ କିଛି କରିନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୌଣସି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭାଗର କିଛି ତାଳମେଳ ନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ହିଁ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ କହିଦେଲେ ପଳେଇଗଲେ, ଆପଣ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରା ଦେବେନି। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ କହିକିରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲହର ଆସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ଲହର ଆସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାର 3 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିଲେନି। ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହୁଛି ନା ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରହୁଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ନା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ତାଠୁ ଆମେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ପାଇବାର ବୃଥା ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଖରାପ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲା, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରି ସେ ବସ୍କୁ ସଜାଡ଼ି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ଆମେ ଆସିବା ଆଲୋଚନାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସରକାର ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆସିବ ପାଖାପାଖି 11ଟି, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହିଁକି ସୀମିତ ରହିଛି ଚିକିତ୍ସା, କାହିଁକି ଆଗେଇ ପାରୁନି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ମୁଁ ଆସିବି ଗୋଲକ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବି। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆଉ କାମରେ ଏତେ ଫରକ କାହିଁକି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଟେଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିଯିବ। ଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେବେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ କେବେ ଲାଗିବ, କେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ? ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି?
मु फेरी सुदर्शन बाबू पाक फेरी डॉक्टर सुभाष साहू अच्छा सुभाष साहू आपण कहतु जो स्थिति वर्तमान आप देखुं राज्य में कोरोनार स्थिति देखुं जदिओ कमुची संक्रमण ग्राफ कमुची कितु मृत्युर ग्राफ कमुनी आप देखु जे जो तथ्य आसूची सरकार कहते जे ये गोटे दिन नुहे ऑडिट होउची ऑडिट परे तथ्य आसूची सरकार लुचिया पे चेष्टा करते पूर्व से मृत्यु संख्या दिन कु दिन बढ़ुची आप देखुं षाठी सबुदिन अधिक रोचे जो प्रसंग आम आज आलोचना करुचे जे जीवन रक्षाकारी मेसीन इक्मो सरकार कही लगे एससीबी रे छटा पर कहे नौटा लगे कैपिटल हॉस्पिटल दुईटा कि बर्तमान गोटे भी लगी पार्लानी असुविधा कौट रोचे आप भावुं देखु आपण को ये मध्यम समस्त को जनवा चाहिए डाक्तर हेले भी आज मु बहुत बड़ दुखित आप जो कहले गोलक जो कहले जो जिनसा गोटे स्वास्थ्य भित्तिमि गोटे अक्सीजेन प्लांट पाई टेंडर ब्रह्मपुर जानी गोटे मस मस लगला जगह दे पारे कि भाग छिड़ला ना मु सीधा सीधा कहि आपन कई साहस करू ना मु आपन को कहीदे ये जो टेंडर प्रक्रिया होची एमाने ठीक रे टेंडर करी पारु नांती कि एमाने निजो को केते जल्दी आनिबे तापरे खाली एक्मो मशीन आनी गले जे आमर एक्मो मशीन लागी गले जे लोको बंसी जीवे सेटा भी नुहो कहिना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जोडा हेल्थ रो जो माने तांको ट्रेनिंग पठेबा बाहर को डाक्टर होंतु कि तांको बाकी जो सब माने पैरामेडिक्स रछंदी तांको जदी प्रॉपर माने जदी ट्रेनिंग न दिया जीवो से एक्मो मशीन आसिंग से सेमतिरे पड़ी जीवो किछि भी करि परिबे नै ये माने नै सरकार कर स्वास्थ्य विभाग वरिष्ठ अधिकारी मध्य सुभाष बाबू आगु स्वीकार कर सारछंती जे एक्मो मशीन आसी गले किछि होबो नै ताकु चलेया पई ऑपरेटर नहांती विशेषज्ञ डाक्टर नहांती त एक डीएमएटी निश्चय स्वीकार कर शुणिथिबे त तेनु एक आम एथि पई पचारछु जे विशेषज्ञ तो ट्रेनिंग देखि आनिबे ता तो अभाव अच्छी किंतु जहाँ मेसीन आसवा कथा प्रकृत स्वास्थ्य मंत्री कथा किसी भैल्यू ना गुरुत्व ना स्वास्थ्य मंत्री कहले गणमाध्यम तीन मस होगा कहीं आसपार नहीं भैल्यू थी कौन हम एम कौटी जो टेंडर प्रक्रिया करोड़ जाणी शुणी टेंडर प्रक्रिया जल्दी 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 जिते जल्दी गोटे दिन से डिसाइड हो पार था प्रधानमंत्री जी गोटे दिन में डिसाइड कर पारे कहीं ना गोटे टेंडर प्रक्रिया गोटे दिन डिसाइड कर मेसीन कहीं आनी पार ना समस्त से प्रश्न पचार सरकार कहवापर स्वास्थ्य मंत्री निजे कहवापर कहीं विलंब होती असुविधा रोचे आंतरिकतार अभाव ना टेंडर प्रक्रिय सीमित रही ना तो ये प्रश्न मत समस्त मन को उठू एवं प्रश्नकाल समय हो ब्रेक्र ब्रेक पर आम आलोचना करवा राज्यर स्वास्थ्य दुर्बल स्वास्थ्य भित्तिमि कथा जो कथा गोलक बाबू कहते विभिन्न समय सरकार जो स्वास्थ्य भित्तिमि दुर्बल चित्र सामना को आसी नजर पकड़ा एवं समय हो ब्रेक्र ब्रेक पर स्वागत आम आलोचना करुचे सरकार कही कौन इक्मो मशीन लगे कथा कौन कर सरकार वर्तमान कहते अगस्ट 15 सुधा हो टेंडर प्रक्रिया सरी आसला चूड़ांत हम अगस्ट 15 रु आरंभ हम यह प्रसंग को लेकिन जो आम आलोचना करुचे राज्यर स्वास्थ्य भित्तिमि कथा सामना को आसूँ दुर्बल स्वास्थ्य भित्तिमि को नहीं अनेक समय आलोचना होती नजर पकातु जो प्रकृत राज्यर स्वास्थ्य भित्तिमि कौन 1396 टीएससी रहा कथा राज्य में कितु अच्छी 1288 भड़ाघर चली 33 पीएससी एवं 1200 डाक्टर आवश्यक से पीएससी गुड़िक 827 खाली पड़ी के 461 डाक्तर पद वर्तमान सुधा खाली पड़ी पीएससी रे एवं सीएससी कथा जब आप देखिए दरकार 1482 डाक्तर अच्छा मात्र 313 डाक्तर खाली पड़ी के 1168 डाक्तर पद खाली पड़ी सीएससी रे पीएससी आ सीएससी ए दुटा जगह जब मिसे आप देखिए 1665 लैब टेक्नीशियन दरकार किंतु अच्छा मात्र 711 ये हूँ सरकारी फिगर एवं पीएससी और सीएससी काम कर 2504 जन स्टाफ नर्स खाली पड़ी के 1423 पद ये हूँ वास्तवता स्वास्थ्य भित्तिमि आवश्यकता अच्छी 2576 हेल्थ आसीस्टाट आवश्यक करें कितु अच्छा जड़े मात्र नहाँ चित्र पर नजर पकातु जड़े भी नहाँ हेल्थ आसीस्टाट एवं सीएससी खाली पड़ी 316 शिशु विशेषज्ञ कहुच्छे जे थार्ड लहर आसब करोनार जो थे शिशु मान प्रति अधिक विपद रही किंतु आम राज्य तथ्य हूँ 316
16 शिशु विशेषज्ञ खाली पड़ते केवल सीएससी डाक्तरखाना राज्य में खाली पड़ी 4,500 डाक्तर यही 4,500 डाक्तर खाली पड़ी एक विधानसभा सरकार कहते बिना अनुमति में सरकार अनुमति नहीं ना 102 डाक्तर आसुना काम जोग दौना आलोचना को आसवा ये दुर्बल भित्तिमिर स्वास्थ्य भित्तिमिर चित्र तो आपड़ देखिले सुदर्शन बाबू अच्छा आम सहित सुदर्शन बाबू जो कथा आज आम आलोचना करुचे जे प्रकृत में सरकार कही कौन करमो चिकित्सा को लेकिन आपंकर बहुत गुड़िया जगार ग्राउंड रू आप खबर आसुव करोना संपर्कित खबर जो थे रोगीटीए आवश्यकता करथिबो इक्मो ट्रीटमेंट किंतु पाउ नथिबो एक रे पाखरे पैसा नहीं एयर लिफ्ट करी बाहर को जीव दुई रे एठी इक्मो मशीन मध्ये नाही ताको ऑपरेट करिया पई विशेषज्ञ डाक्टर मध्ये नाती सुदर्शन बाबू देखंतु ओडिसा रो स्वास्थ्य उडे विकल अवस्था को जाई एवं जहां आपण पखुतिले आउटी के आगु जे ओडिसा रो जो पीएससी गुडी को अछि बा सीएससी गुडी को अछि बा रेफरल सेंटर गुडी को अछि ए सबु जगार डाक्तर पदवी खाली पड़ ये गोटे विकल चित्र देखा आम राज्य स्वास्थ्य एवं आसवा आमर मंत्री कथा एवं तांकर जो कथा एवं काम या भर जो फरक अनेक समय लगे जो उक्ति सब शुणिले लगे से बास्तव में स्वास्थ्य मंत्री की नुह ये मध्य गोटे प्रश्नवाची सृष्टि कारण से जहा कहती ता बास्तव में आम कार्य देखा पाउन अनेक समय इकोमो मेसीन कथा जहाँ सी कही आश्चर्य होती जदि गोटे स्वास्थ्य मंत्री से कहते छा इकोमो मेसीन आम आने प्रस्तुत नहीं जा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड रु आम आसीज कैपिटल हॉस्पिटल को जदि सरकार एक मानते मंत्री कही पार्टी आम परिणत हो तेरे भाग पड़ो सी बास्तव में स्वास्थ्य मंत्री की नुह यह गोटे प्रथम कथा मुझे चाहे एवं द्वितीय कथा कह चाहे जे बास्तव में स्वास्थ्य मंत्री हिसाब से ओडिशा रो स्वास्थ्य ओडिशा लोकंकर स्वास्थ्य रो सुविधा पाई तांकर जो कर्तव्य ठीक भाव से तुलाऊ गुरुत्व ना एक विभिन्न समय अभियोग से टीका कथ हूँ इकमो मेसीन कथ हूँ स्वास्थ्य मंत्री जहाँ कहते जे से कथार किसी गुरुत्व ना एक लोके अनुभव करनेक समय साधारण लोकटे प्रश्न पचारे स्वास्थ्य मंत्री करोना समय गले कुआ एक राजनीतिक दल और साधारण लोकटे प्रश्न पचार सुदर्शन बाबू मुझे आपको आउ थे आसूसी आम सहित जोड़ी होती कल्पतरु बाबू जे प्रथम से कहते जे मृत्युंजय पात्र जहाँ चिकित्सापी अर्थ आवश्यक कितु अर्थ ना वर्तमान समय जदि राज्य था इकमो मेसीन ट्रिटमेंट था बोध हुए बाहर को जवाक पड़ता ना मृत्युंजय बाबू आप शुपारी आपतु एवं आसंता का आप कौन एयर लिफ्ट व्यवस्था करवश्यक ट्रिटमेंट जो अर्थ आवश्यक 1.5 कोटी अधिक से नहीं किसी व्यवस्था होना आप मानने कहते नवेदन कर सरकारी स्तर में किसी साय मिलू बा साधारण लोक मैंने सहृद लोक मैंने से किसी साय कर आर्थिक स्वच्छ स्थल लोक से नुहत आम साधारण लोक को मीडिया माध्यम नवेदन कर सरकार को आम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड पर तरफ समस्त आरेंजमेंट जहाँ था धार बाकी कर जमी बाड़ी बंधा पक जहाँ जोड़ी एकाउंट था सब गोटे एमती किसी पैसा संग्रह कर मीडिया माध्यम भी आम समस्त को रिक्वेस्ट कर फाइनेंशियल एड कि पाइबे आम से पहुंचे जदि किसी सरकार तरफ किसी अनुदान भी कोटी अधिक टाइम दरकार जोगाड़ कर देखी अतीत अमृत हूँ अभिषेक हूँ से पर आकुल नवेदन करुले पर परिवार तरफ साहय पाइबापर से एयरलिफ्ट कले कि ए क्षेत्र में आपण क्षेत्र में आज कत जोगाड़ कर तो से नहीं किसी नवेदन आप करेंगे आमे आमे आगा आमे ये करछु मीडिया माध्यम रिक्वेस्ट करछु किंतु हमर पर्सनली बंधु बांधव कि तांकर एंटायर जा घरे गछित अर्थ सब जोगाड़ करके आगा आमे 30 लाख पर्यंत आमे अरेंज करते करछु एवं मीडिया माध्यम रे एवं अन्य जे कि फंड पई आमे सब रिक्वेस्ट भी करछु यदि किछ साहाय्य आसीबो ताले हमर ये पिलाटी सफल होई कि माने सब निवेदन किंतु बड़ कथा हूँ राज्य में जो दुर्बल स्वास्थ्य भित्तिमि अच्छी आम इकमो कथा आलोचना करुचे किंतु ये दुर्बल स्वास्थ्य भित्तिमि भितर जब आप देखिए उपातर उपकूल सबुठी डाक्तर नहांती भित्तिमि ना
गोलक बाबू आपण कहतु ये फिगर विधानसभा विभिन्न समय आसी सरकार निजे मानी जे स्वास्थ्य भित्तिमि आम कौटि ना कौटि पचर रही डाक्तर नहांती एबि 4599 डाक्तर पदवी खाली अच्छी ए क्षेत्र में तृतीय लहर कथा कहुची ताको मुकाबला करने आम के प्रस्तुत देखो तो आम ना प्रथम लहर को मुकाबला करने प्रस्तुत थिलु ना द्वितीय लहर को राज्य सरकार मुकाबला करने प्रस्तुत थिले ना तृतीय लहर को अच्छा भगवान भरोसा रे केंद्र सरकार को योजना रे एम्स हॉस्पिटल कहतु आज विभिन्न उद्योग मानक जरिया आज ओडिशा रे लोक माने विभिन्न पीएसयू जरिया ओडिशा रे लोक माने आज सुविधा पाईपारे मुझे किसी समय तले से विषय कहती जदि राज्य सरकार को उपरे छाड़ दिया जाए था कोविड महामारी मुकाबला करी न था विशेषकर ये द्वितीय लहर में आप देखि जो भाई भाव में अक्सीजेन शॉर्टफॉल है ताकू पूरण करने राज्य सरकार असमर्थ है जो थे आम विभिन्न स्टील कंपानी अक्सीजेन को आमको लिफ्टिंग करा पड़ा और लोकों पाखे हस्पिटाल पहुंचेवाक पड़ा एवं पश्चिमांचल जिते डाक्तरखाना आवश्यकता पड़ा राज्य सरकार मुह मोड़ीदे से समय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहायत विभिन्न केन्द्रीय पीएसयू मान को जोजोग कर विभिन्न स्थान में हस्पिटाल मान या जीवन बंचला एवं बड़ भूमिका ग्रहण ओडिशा रे एम्स तेणु ए सबू कारण आज राज्य सरकार खसी जाऊरटी जिले आईसीयू ना विभिन्न जगार 5000 ऊर्ध डाक्तर पदवी खाली टेक्नीशियन नहांती डाक्तरखाना अच्छे जो लाइन ना एभली डाक्तरखाना अच्छी जहाँ सब भड़ा घरे चलुची तेणु स्वास्थ्य गोटे विकटाल चित्र ओडिशा रे अच्छी किंतु ओडिशा रे थिबा बाबू माने विभिन्न समय केवल नाटक करुचंती मिथ्या बाहा बाहा नवा पाई किछि दिन तले से माने कहिले जे आमे टीका आणिकिरी दबू जेतेबेले आपण माने जानिचंती जे टीका आपण को सरप्लस नाही टीका का पकरे कि आपण सेतेबेले सेतेबेले नाटक कले आमे ग्लोबल टेंडर मंत्री करो जो चिट्ठी टीका को नेकी ग्लोबल टेंडर को नेई ता गुमर मध्ये फिटीथिला आमे प्रथम रु आमे कहुथिलु ये ग्लोबल टेंडर एक नाटक पदा को सामना को अर्गस प्रथम आनी नाटक थिला केमिति एबे मु चाहू सुदर्शन बाबू आपण कहतु जे जो कथा मूलर आम आलोचना करुचे दुर्बल स्वास्थ्य भित्तिभूमि डाक्तर नहांती लैब टेक्नीशियन नहांती एवं भड़ा घरे चलुची पीएससी एटी तृतीय लहर कथा कहुची द्वितीय लहर मुकाबला आम केमिति कर समस्त जानते तृतीय लहर कथा कहुची जदि आसे शिशु मान उपरे विपद अधिक बोली विशेषज्ञ कहते जदि शिशु विशेषज्ञ कथा आपण देखिबे मो पाखरे जो तथ्य अच्छी सरकार कहते 316 शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्तर वर्तमान सीएससी गुड़िकर खाली पड़ी तो ये क्षेत्र में आम मुकाबला केते प्रस्तुत देखु राज्य सरकार जे आदु प्रस्तुत नुहंती एक आगुर प्रमाणित गोटे ग्राउंड जीरो रो रिपोर्ट आपको देवी जलेश्वर में 10 पीएससी अच्छी एवं गोटे सीएससी एवं आउ गोटे रेफरल यूनिट अच्छे आपण विश्वास करिपारिबे नाही 10टा जाक पीएससी रे गोटे बोली डॉक्टर फॉर लास्ट 10-15 इयर्स नहांती एवं जो सीएससी रे 13 जन रहिबा कथा डॉक्टर एवं अन्य माने रहिबा कथा सेरे मात्र 3 जन अछंती आज्ञा एवं जो रेफरल यूनिट से पाखरे गोटे अछि शिशु एवं मातृ मंगल केंद्र गोटे अछि 5 कोटी टका खर्च होइछि लिफ्ट लगी एक्सी लगी आईसीयू अच्छी किंतु अनफॉर्चुनेटली 2 वर्ष है बिल्डिंग टा सेमिति पड़िकी अच्छी ता इंफ्रास्ट्रक्चर खत खाऊ एवं कई बुझीबा को ही नहांती ये होची ये होची स्वास्थ्य भित्तिभूमि रो प्रकृत चित्र आपण देले ये केवल उपकूल नुहे उपांतरे आठरु आहुरी दयन चित्र विभिन्न समय आमे देखै छी सुदर्शन बाबू गणमाध्यम जरिया रे ये चित्र सामना को आसी छी किंतु सरकारक निद भांगुनी ये प्रकृत रे ये भित्तिभूमि को से केबे सजाड़िबे समय सर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन बाबू आम सहित सामिल होते गोलक बाबू आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित सामिल होते भद्रकु मृत्युंजय बाबूंर जे मऊसा कल्पतर बाबू आपण को बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर सुभाष साहू आपण बहुत बहुत धन्यवाद आपण को जे ये कोरोना समय सरकार जो प्रकृत तथ्य ताको आपण सामना को आणुंट कितु एत कथा कह जाए जे वर्तमान जो कथा आलोचना जे इक्मो मेसीन केबे राज्य को आसीबो केबे सरकारी भाव में
ক্যাপিটাল হসপিটাল এবং এসসিবি মেডিকালে ইকমো মেশিন লাগিব এবং কেবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাকে অপরেট করবে এবং রোগী মানে চিকিৎসা সুবিধা পাইবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী যাহা কইতিলে তাহা তিনি মাস পর মধ্যে কার্যক্রম হই পারলানে। এতিলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভুল না পুরা ব্যবস্থার ভুল? ইয়ে নিষ্পত্তি হচ্ছে আপনার। সময় সরিছি, প্রশ্নকাল কুইট রাখবা। নমস্কার।